नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ लोकेश गेमर के बारे में। लोकेश गेमर जिन्हें यूट्यूब पर डायमंड्स का देवता बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी हर दूसरे वीडियो में डायमंड्स का गिव अवे करने लगते हैं कि आज मैं आपको इतने डायमंड्स दूंगा और आज मैं आपको इतने डायमंड्स दूंगा, इसीलिए इनको डायमंड्स का देवता बोला जाता है। तो आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे। तो जो भी मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा तमीज़ के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से इनके चैनल के बारे में बोलूँगी, जो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट स्टिल सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। मैंने जो है लोकेश गेमर से रिलेटेड काफ़ी सारी रोस्टिंग वीडियोज़ यूट्यूब पर देखी हैं, मैंने काफ़ी पहले से इनकी ऊपर की जो रोस्टिंग वीडियोज़ बनी हैं वो देखी हैं। तो जितने भी लोगों ने इनको रोस्ट किया है, कुछ रोस्ट तो चलो ठीक है फिर भी लेवल के अंदर है, लेकिन कुछ रोस्ट इतने ज़्यादा ख़राब लेवल पर किए गए हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब तरीके से इनकी इंसल्ट किए ये वीडियोस में, जिनको देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। मतलब जिन लोगों ने इनको रोस्ट किया है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो के अंदर इतनी गंदे पर्सनल लेवल पे जाके बात करी है कि मैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ और ना ही वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा लोगों ने इनकी वीडियोस के जो थंबनेल लगाए हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब है। मतलब एक लड़का है जो आपसे बहुत ऊपर है, वो भले ही कुछ भी कर रहा है अपने चैनल पर, लेकिन वो आपसे बहुत ऊपर है, डेफिनेटली उसने बहुत मेहनत करी है, मगर आप उसका क्या कर रहे हैं, आप उसकी फ़ोटो लेके उसकी पिक्चर को एडिट करके उसकी पिक्चर में आपने उस, मतलब वो लड़का है लेकिन आपने उसकी फ़ोटो में उसको बिकनी पहना के ऐसी फ़ोटो आपने अपने थंबनेल पर लगाई है, तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आप किस तरीके के थंबनेल और किस तरीके के वीडियोस बना के लगा रहे हैं, थोड़ी सी शर्म कर लो यार, मतलब थोड़ा ढंग का बनाओ। अगर आपको वीडियो बनानी है, आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है लोकेश गेमर की, आप उनके बारे में बोलो लेकिन थोड़ा तमीज के साथ बोलो। मतलब इनका नाम लोकेश है तो इनके नाम को लोग इतना ज्यादा खराब करके अपनी वीडियोज में यूज करते हैं, अब आप खुद ही सोच सकते हैं लोकेश को लोग कितना ज्यादा खराब करके क्या ही बोलते होंगे। तो मतलब यार बुरा लगता है यार, उसके चैनल का नाम है, वो एक रिस्पेक्ट है लोकेश गेमर नाम के अंदर, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो अपने अंदर भी। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो इसमें आपकी ही इज्जत कम हो रही है, लोकेश गेमर की कोई इज्जत कम नहीं हुई है, वो आज भी उतने ही ऊपर है जितने वो पहले ऊपर थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें करने से आप ही का नुकसान होगा, इस तरीके के थंबनेल ना बनाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहूंगी, अगर रोस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तमीज के साथ कीजिए। इसी तरीके से लोग करते हैं बिंदास काव्या के साथ, वो एक छोटी सी 14 साल की बच्ची है, उसकी फोटो को लेके आप इतनी गंदी तरीके से एडिट करके अपने थंबनेल्स में लगा रहे हैं, जो चीजें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो लोग इस तरीके की वीडियोज बना रहे हैं, इतनी गंदी वीडियोज बना रहे हैं, इतने गंदे थंबनेल लगा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि लोगों को तो मजा आ गया ऐसी वीडियोस के थंबनेल और वीडियोस देखे तो लोगों को मजा आ गया, इनको बोलेंगे वाह बहुत अच्छा वीडियो बनाया। और अगर हम लोग बिल्कुल तमीज के साथ अपनी वीडियोस में सारी बातें बोलते हैं तो लोग हमें आके बोलते हैं कि तुमने ऐसा गलत बोल दिया। तो पहले आप जाके इन लोगों को समझाइए, अगर इन लोगों को नहीं समझा पा रहे तो हम जैसे मासूम लोगों पर आप आरोप ना लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग खुद ही इतने तेज होते हैं जो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, अगर ऑडियंस इनको गाली देती है बदले में ऑडियंस को गाली दे देते हैं, तो भाई ये बहुत सही हरकतें कर रहे हैं। वैसे ये चीज तो माननी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इस तरीके के थंबनेल और वीडियोस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो प्लीज आप ये चीजें ना करें, वो ठीक नहीं लगती है। तो अभी मैं इनके चैनल पे आती हूँ, इनके चैनल से रिलेटेड कुछ बातचीत है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो वही, इन्होंने भी अपने चैनल के नाम में गेमर लगा रखा है, लोकेश गेमर, लेकिन इन्होंने गेमिंग से ज्यादा अपने चैनल पे जो किया है वो है डायमंड्स का गिव अवे। मतलब इनकी हर दूसरी वीडियो डायमंड्स के ऊपर ही होती है कि भाई इतने डायमंड्स ले लो, और जो इनकी वीडियोज होती है वो इसी चीज से रिलेटेड होती है। अब ये जो वीडियोज बनाते हैं उस पर भी, ये जो थंबनेल बनाते हैं उस पर बहुत ही ज्यादा क्लिकबेट करते हैं। मतलब अगर मैं आपको इनकी वीडियोज की एग्जाम्पल दूँ, थंबनेल्स की एग्जाम्पल दूँ, तो उनमें क्लिकबेट होता है। जैसे अगर मैं इनका एक थंबनेल बताऊं तो ये थंबनेल के ऊपर लिख देते हैं कि आज मैं आपको 50,000 डायमंड देने वाला हूं, और वीडियो के अंदर अगर हम जाके देखें तो वो डायमंड्स 50,000 से बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ये करते हैं, थंबनेल में कुछ और होता है, वीडियो के अंदर कुछ और होता है। जैसे एक और इन्होंने थंबनेल बनाया था अपनी वीडियो का, थंबनेल के ऊपर इन्होंने लिखा था कि 70,000 डायमंड का गिव अवे आज मैं करूंगा। 70,000 डायमंड, काफी सारे लोग तो ऐसे ही देखते हुए घुस गए होंगे वीडियो के अंदर कि भाई चलो, नहीं नहीं 70,000 नहीं, 90,000 डायमंड्स का आज मैं गिव अवे करूंगा, और वीडियो के अंदर जाके देखा तो वहाँ पे 17,000 डायमंड थे, 70,000 डायमंड सिर्फ और सिर्फ थे, और लेकिन थंबनेल पे लिखा गया था 90,000 डायमंड है। तो ये चीज करते हैं, काफी ज्यादा क्लिकबेट करते हैं, जबकि मेरे हिसाब से अभी तो जरूरत नहीं है इनको, इतने ज्यादा बड़े लेवल पे है ये, फिर भी ये क्लिकबेट करते हैं, तो वो उनकी मर्जी है एक तरीके से, और जब इनको क्लिक्स मिल रहे हैं अच्छे क्लिकबेट करने पे तो ये करेंगे, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर फिर भी ये थोड़ा सा मिसलीडिंग टाइप का हो जा रहा है कि आप अगर आपके पास 17,000 डायमंड है और आप अपने थंबनेल पे लिख रहे हैं आपके पास 90,000 डायमंड है, तो ये एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है। अगर 17,000 भी कोई कम डायमंड थोड़ी है, अगर आप 17,000 भी अपने थंबनेल पे लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज लगेगी, तो वो एक बात मैं कहना चाहूंगी। दूसरी चीज ये है कि ये जो है
ये इनको गेम प्ले की नॉलेज मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि कई सारे जो हथियार होते हैं गेम प्ले में यूज होने वाले उनके नाम गलत बोल देते हैं, तो वो एक चीज है। लेकिन वो यही है कि ये ज्यादा गेम प्ले करते भी नहीं है, ये तो गेम प्ले से ज्यादा क्या करते हैं, डायमंड्स वगैरह का गिव अवे करते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। ये भी मतलब वीडियो को अभी शुरू हुआ है, वीडियो को शुरू होने से पहले ही बोलने लग जाते हैं कि भाई लाइक कर दो, कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, तो यानी कि आपको अपने व्यूअर के जो सेटिस्फेक्शन है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर आपको अपने व्यूअर के सेटिस्फेक्शन से मतलब है तो आप पहले अपनी वीडियो को पूरा देखने दीजिए अपने व्यूवर्स को, उसके बाद आप बोलिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं, वीडियो में स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मतलब ऐसा बोलने लग जाते हैं। और इनकी जो लाइक का एम होता है वो तो मैं क्या ही बताऊं। अभी शायद मैंने कुछ एक दो दिन पहले इनकी वीडियो देखी थी, उस वीडियो में ये लाइक एम रख रहे थे 1 मिलियन लाइक। मतलब इतने 1 मिलियन लाइक तो अनायसा भी नहीं रखते, वो भी बोलते 1 लाख लाइक कर दो, 1 लाख लाइक कर दो, ये सीधा बोलते भाई साहब 1 मिलियन लाइक कर दो। और कई बार टारगेट तो इतना ज्यादा सेट कर लेते कि उतने लाइक्स इनके चैनल पर हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा। आप बताइए 1 मिलियन लाइक कोई कम चीज थोड़ी, आपके पता नहीं कितने व्यूज आएंगे तो आपको 1 मिलियन लाइक मिलेगा, तो उसमें कह रहे हैं 1 मिलियन लाइक कर दो, आज का लाइक है मैं 1 मिलियन। तो मतलब इस तरीके की ये चीजें करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लाइक 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 बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनको भी पता भाई जितने ज्यादा लाइक उतने ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी हमारी वीडियोज पे, तो इसीलिए लाइक बहुत मांगते हैं। तो ये एक चीज है। और वो है कि हाँ, थोड़ा सा मेरे को दिखता है इनके थंबनेल्स के माध्यम से कि हाँ ये लालच देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को अपने थंबनेल में इतने ज़्यादा डायमंड्स दिखाने का, तो यही मतलब है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ऐसे थंबनेल की तरफ कि हमें इतने ज़्यादा डायमंड्स मिल रहे हैं, लेकिन वीडियोज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अभी बच्चों का भी मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़े से समझदार बन जाइए, आपको इतने ज़्यादा डायमंड्स कोई नहीं देगा। और ये भी किसी को नहीं पता कि डायमंड्स किसको मिलते हैं किसको नहीं। आप मेरे को बताइए कि आपको कभी डायमंड्स मिला है? तो अभी ये तक सीक्रेट ही है भाई, ये डायमंड्स किसको मिलते हैं किसको नहीं। मेरे हिसाब से क्या पता वो लोग भी इनके जान पहचान के ही होते हों जिनको ये डायमंड्स दे देते हैं, अब पता नहीं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आया जो आके बोल रहा हो कि हमें डायमंड्स मिले हैं कोई अनजान व्यक्ति। हो सकता है कि सिर्फ अपने जानकार लोगों को डायमंड्स देते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, वो एक बात है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही डायमंड्स बांटते रहे तो फिर तो भाई, लेकिन ये है अमीर इसलिए डायमंड्स बांटते रहते हैं, काफ़ी अमीर है मैं कहना चाहूँगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और ये अपने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कई बार नूब बोल देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए इनको यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना के बोला जाता है नूबड़ा नूबड़ा नूबड़ा, तो वो चीज़ें ना करें मैं भी यही बोलूंगी। लेकिन यही है कि अगर ये भी कर रहे हैं तो लोग भी फिर इनको नूब ही बोलेंगे बदले में, तो वो एक चीज़ है। लेकिन उसमें वो मजाक में सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें ये अपना फ़ोन तोड़ रहे थे, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें करना मेरे हिसाब से इस तरीके की हरकतें ठीक नहीं है अपनी वीडियोज़ में करना। आप सामने वाले को देखिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ये तो एक सच्चाई है कि लोकेश गेमर के ऑडियंस काफ़ी छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अगर जो बड़े होंगे उनको भी पता है कि इतने डायमंड्स किसी को नहीं मिलने वाले हैं वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है, तो छोटे बच्चे इनकी ऑडियंस है ज़्यादातर, और वो जो ऑडियंस है उनको अब अपनी वीडियोस में ये बता रहे हैं कि अब मैं फोन तोड़ने वाला हूँ अपना। और जो इन्होंने फोन तोड़ा था वो भी शायद आईफोन था, तो अब इसका एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है सोसाइटी में, क्योंकि फिर वही है कि जो बच्चे सीख रहे हैं वही, जो बच्चे देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं, तो वो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं, तो वो चीज़ें ध्यान रखने की है। अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत अच्छी है इनकी वीडियोज में, तभी हमसे इतने ऊपर है ना। अगर ऐसा ही होता तो हम भी इनके साथ चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जितने भी लोग इनकी रोस्ट कर रहे हैं करिए, आपको हक है पूरा रोस्ट करने का, लेकिन इतने गंदे लेवल पर मत करिए, प्लीज मत करिए, अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। अब आप अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर आपके बारे में कोई ऐसे तरीके की वीडियोस बनाए, ऐसे थंबनेल लगाए और इतने ज्यादा आपको जो है इंसल्ट के साथ आपके साथ बात करे, तो क्या आप चीजें वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं, आपको भी बुरा लगेगा कि मेरे बारे में लोगों ने ऐसे बोला है। तो वही चीज इनके साथ भी है, ये भी एक इंसान है। हाँ, ये बहुत बड़े यूट्यूबर है, हो सकता है आपकी वीडियो पर इनकी नजर तक ना पड़े, बट स्टिल इतनी ज्यादा थोड़ी सी मतलब बदतमीजी के साथ बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप बात करिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है चीजें आप बोलिए, लेकिन इतनी ज्यादा बदतमीजी मत करिए, मैं सिर्फ यही कहूंगी। और ना ही बिंदास काव्या के साथ करिए, ना ही किसी और बच्चे के साथ या बड़े के साथ करिए, प्लीज ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। यूट्यूब इंडिया भी इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता है, तो प्लीज ये चीजें मत करिए। तमीज के साथ थंबनेल लगाइए, थंबनेल पे हाँ आप कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव करिए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन इतनी गंदी तरीके से एडिट करके, और मतलब आप बताइए उस लड़का है वो, आप उसके जेंडर का मजाक उड़ाने के लिए उसको बिकनी में दिखा रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो यही कुछ मेरे अपने ओपिनियंस है, अदरवाइज मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पर्सनल ग्रजेस हेट नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बेहतरीन हो सकती है, तो मैं चाहूंगी कि लोकेश सर जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरीन करे, थोड़ा सा क्लिक बेट अगर थोड़ा बहुत कम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज बच्चों को अभी समझदार होने की जरूरत है कि भाई इतना डायमंड कोई तुमको नहीं देने वाला है। ठीक है, तो बस यही कुछ मेरी वीडियोज़ थी, और यही इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच।